आ रही अब बीजेपी के बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धर्मजीत पहुंचे हैं। दरअसल अब से कुछ ही देर में वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में इस वक्त। और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे धर्मजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यहां पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा प्रमोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। और ये जोगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं दोनों ही, और JCCJ के सदस्य रहे जो कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों मौजूद होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां मंच पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के फ्रंटलाइन लीडरशिप सभी मौजूद हैं। और यहां पर अब से कुछ ही क्षणों में धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी घटना अभी चूंकि चुनावी समय में इस तरह के ज्वाइनिंग्स होती हैं और ये भी स्वाभाविक है। यहां पर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अरुण साव, मनसुख मंडाविया समेत नारायण चंदेल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सभी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और धर्मजीत सिंह और उनके साथ जो JCCJ के प्रमोद शर्मा अब तक JCCJ के नेता के तौर पर काम करते रहे हैं। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद हैं। युगल, कितना समय लगेगा अभी और कौन कौन आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ है यहाँ पर औपचारिकताएं? जी आशित, देखें अभी मैं पहले अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो मंच को दिखाएं और जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए मनसुख मंडाविया है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष है अरुण साहब वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, तमाम प्रदेश के बड़े जो बीजेपी नेता हैं सभी यहां पर मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में धर्मजीत जो के समर्थक हैं, विधायक उनके समर्थक है, वो यहां पर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद ही यहां पर आएंगे और धर्मजीत सिंह आज बीजेपी की सदस्यता विधिवत रूप से लेंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है और जिस तरह से एक बड़े नेता हैं धर्मजीत सिंह और उनके आने से बीजेपी का मानना है कि जो अन्य सीट है उन पर भी काफी जो प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा। तो उसी कड़ी में यहाँ पर एक भव्य जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और अभी बीजेपी फिलहाल कुछ देर बाद ही जो बीजेपी में प्रवेश है वो धर्मजीत सिंह का विधिवत रूप से होगा। जी, प्राथमिक सदस्यता युगल दिलाई जाएगी धर्मजीत सिंह और कहा जा रहा है कि धर्मजीत सिंह के साथ साथ प्रमोद शर्मा भी यहां ज्वाइन कर सकते हैं, उनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी बीजेपी ने प्रमोद शर्मा की प्रवेश को लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तय है कि धर्मजीत सिंह है वो प्राथमिक सदस्यता आज बीजेपी के लेंगे और उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में, उनके विधानसभा क्षेत्र से लोरमी से आए हुए हैं और ये बीजेपी का मानना है, कार्यकर्ताओं का है, बीजेपी के खुद कार्यकर्ता धर्मजीत सिंह का जो स्वागत है उन्होंने यहाँ पर किया है। और बीजेपी प्रवेश से पहले एक तमाम बड़े नेताओं की जो बैठक है वो हुई है, एक छोटा मीटिंग का भी आयोजन किया गया था और चूंकि एक बड़े नेता है, विधायक हैं धर्मजीत सिंह, इससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में रहे हैं और उनका एक बड़ा जनाधार है आसपास के क्षेत्रों में, तो बीजेपी का मानना है कि उनके धर्मजीत सिंह के आने के बाद यहां पर एक बड़ा प्रभाव है, एक बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी के साथ हो जाएगा, यह सब बीजेपी का मानना है। जी, यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी होगी जो जिस तरह की औपचारिकताएं की गई हैं अमूमन ऐसे मौकों पर होती है, कौन कौन से वक्ता यहाँ पर बोल सकते हैं और चूंकि चुनावी समय है तो स्वाभाविक है लगभग सभी जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो क्या औपचारिकताएं रहेंगी, क्या कोई पूर्व सूचना है कि कौन कौन से वक्ता यहाँ पर बोलने वाले?
देखिए आशीष, यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, और चुनाव समिति की जो प्रभारी संचालक है वो भी मनसुख मंडाविया है, वो है नारायण चंद्र है, तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन चूंकि ये अवसर है अभी बीजेपी प्रवेश का, तो यही है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और धर्मजीत सिंह दोनों का उद्बोधन हो सकता है, ये संभावित है। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आम लोगों को, जो आम कार्यकर्ता हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें भी संबोधित कर सकते हैं। और बीजेपी की इसके बाद भी जो बैठकों का दौर है वो जारी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसलिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है, और बीजेपी चाह रही है कि सत्ता में उसकी वापसी हो, और इसलिए लगातार वो बैठक तो कर ही रही है, साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। इससे पहले शिवसेना के 1000 से अधिक कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए थे, तो इस तरह से बीजेपी प्रवेश का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी भी ऐसे बड़े नेताओं को प्रवेश दे रही है अपने संगठन में, और बीजेपी का मानना है कि विश्व का एक बड़ा संगठन है, सभी वर्ग के लोग जो बीजेपी की सदस्यता लेने इच्छुक हैं उनके लिए बीजेपी ने द्वार है वो खोल के रखे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी में लोग हैं बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं। स्वाभाविक है, चूंकि सत्ता से जब बाहर हुई थी भारतीय जनता पार्टी, तो कोई भी दल जो होता है अगर सत्ता हाथ से जाती है तो स्वाभाविक तौर पर जो आत्मविश्वास है थोड़ा सा डगमगाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है पार्टी में, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर होगी। और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते चले, युगल आपके पास भी आएंगे, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, जो छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप है, जहां पर इस वक्त केंद्र के मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सभी इस वक्त यहां धर्मजीत सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाने के लिए, बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए पहुंचे हैं, और इन सभी की मौजूदगी में धर्मजीत सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में प्राथमिक सदस्यता की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी युगल भी बता रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग है उसका जो एक औपचारिकता होती है, उस औपचारिकता को पूरा करने के साथ यहाँ पर जो धर्मजीत सिंह के सैकड़ों समर्थक हैं वे भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए किस तरह से तस्वीरें इस वक्त, ये बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ पर हो रही है एक तरह से, चूंकि जिस तरह ये देखिए वो जो कार्ड जिस पर प्राथमिक सदस्यता के लिए जानकारी भरी जाती है, धर्मजीत सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए सभी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पटका माला पहनाकर, और वो कार्ड जो उनकी तरफ से जानकारी भरकर पार्टी के लिए दी जाती है वो दे दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के हाथों, चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बाकी के जो फ्रंटलाइन लीडरशिप के नेता हैं उन्होंने यहाँ पर पटका पहनाकर, कोई माला पहना रहा है तो कोई फूलों का गुच्छा देकर उन्हें स्वागत कर रहा है पार्टी में। और इस वक्त वे पहुंचे हैं बृजमोहन अग्रवाल के पास, और वहां पर उनके साथ में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, और अब से कुछ ही देर में संभव है कि वे कुछ बोलेंगे मीडिया से। इस बारे में वे क्या कहते हैं ये भी हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, युगल औपचारिकताएं यही है कुछ, हो सकता है कि अब इस बारे में वो बताएं पार्टी के बारे में, या भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, या क्या भारतीय जनता पार्टी को टिकट की कोई वादा किया है क्या? और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, युगल के पास भी चलेंगे अभी, और हमारे सहयोगी युगल लगातार वहां पर मौजूद है, तस्वीरें युगल तिवारी हमारे सहयोगी भेज रहे हैं, और वहां से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, पार्टी के सदस्य के तौर पर अब ये जो औपचारिकताएं हैं प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लेने के लिए, ये फ्रंटलाइन लीडरशिप वहां मौजूद है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जिन्हें की जिम्मेदारी दी गई है इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने की। और ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त किसी भी पार्टी के लिए होती है, हालांकि वो जो शख्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो कितना पार्टी के लिए लाभकारी होगा या कितना उस व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा।
हालांकि दावा सभी पार्टियां यही करती हैं कि जनता की सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए हैं और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका क्या जनता उन्हें देगी, ये भी देखने का विषय रहेगा। और चूंकि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रदेश में नकार दिया था, लेकिन उसी आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर से चुनाव में जाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और इस प्राथमिक सदस्यता कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं धर्मजीत सिंह और उनके सैकड़ों समर्थक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बार का जो ये चुनाव है ये और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के विधायक रह चुके नेता अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत कंपटीशन JCCJ की तरफ से कांग्रेस या बीजेपी के लिए रहता है वो थोड़ा और कमजोर पड़ सकता है। क्या JCCJ को ये झटका है या भारतीय जनता पार्टी को ये लाभ है? हालांकि इसके बारे में जब वहां मीडिया से बात करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ प्रतिक्रिया दें, इसके लिए लगातार हम यहां पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, जहां धर्मजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई है और उनके समर्थकों को भी बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है पटका पहनाकर। यहां पर अरुण साव जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही इस मंच पर उनके साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है जिसमें सभी नेता इस वक्त आप देख सकते हैं एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, अरुण साहब हो, रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, नारायण चंदेल हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हो, मनसुख मंडाविया जिन्हें की केंद्र से भेजा गया है इस बार का चुनाव संपन्न कराने के लिए सफलतापूर्वक, वे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अरुण साहब यहां पर अभी कुर्सी से उठकर गए हैं, हालांकि यहां पर अब मीडिया से पहले कौन मुखातिब होगा, क्या कुछ वो कहेंगे, ये भी हम सुनवाएंगे, इसलिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इस वक्त अरुण साहब माइक पर पहुंचे हैं, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आवाज नहीं आते भाई, जरा जोर से आवाज, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बदलबो बदलबो, बदलबो बदलबो, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के ये विशेष अवसर में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री और चुनाव के दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, प्रवेश अभियान समिति के संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, मंच में विराजमान आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राम विचार नेताम जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, हमारे बीच आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं ऐसे वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय बड़गैया जी। और यार रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।